सो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं अभी का सबसे बड़ा अपडेट जो बेट सेट्स के लिए आ चुका है, फर्स्ट आइटरेशन का रिजल्ट। जैसे हम बताए थे कि जैसे ही आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे, तो प्लीज़ आप लोग अपना रिजल्ट को चेक करें। वेबसाइट पर ही दिया गया है लिंक, उसमें लॉग इन करके आप चेक कर सकते हैं क्या अलॉटमेंट आया है। उसके बाद कमेंट करें जो भी आपका अलॉटमेंट आया, ताकि उससे अलग दूसरे बच्चे रेफरेंस ले सके। और हम अपडेटेड कट ऑफ का वीडियो बहुत जल्द बनाएंगे। आइटरेशन 1 के बाद क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आइटरेशन 2, 3, 4, 5, 6 तक में क्या जा सकते हैं कट ऑफ, वो बहुत जल्द आएगा इस चैनल पर। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। अब यहां पे हम बात करते हैं टर्म एंड कंडीशन। जिनको भी सीट मिला है उनको फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा फी अगले 2-3 दिन में पे करना पड़ेगा, जो भी शेड्यूल दिया गया है। और वो एक आध दिन के लिए एक्सटेंड भी होता है, बट आप कोशिश कीजिए कि पहले हम पे कर दें अगर आप इंटरेस्टेड हैं। अगर नहीं करते हैं पे, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। पे कर देंगे तो अगले राउंड में जाते रहेंगे जब तक कि आप खुद से बाहर ना होना चाहें, या फिर लास्ट तक वो ले जाएंगे, ताकि आपको जो बेस्ट पॉसिबल हो आपके मार्क्स पर वो मिल जाएगा। और दूसरा केस है, जिनको सीट नहीं मिला वो मोस्ट प्रोबेबली आप वेट लिस्टेड में होंगे। वेट लिस्टेड में 50 से 60 हज़ार के आसपास पेमेंट करना होता है, वो भी मैंडेटरी है। वो नहीं करेंगे तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। अगर आप इंटरेस्ट हैं तो वो पे करना पड़ेगा वही 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर। उसके बाद आप नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। नेक्स्ट राउंड में सीट अगर मिल गया तो 2,50,000-60,000 जो फर्स्ट सेमेस्टर का फी है उसमें से वो 50-60 हज़ार कट जाएगा। तो ये है रूल एंड रेगुलेशन, इसको ध्यान में रखते हुए आपको काउंसलिंग करना है। और जो कट ऑफ जो मैक्सिमम चेंजेस आएगा वो थर्ड आइटरेशन के बाद आएगा, क्योंकि उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग है, बहुत सारे बच्चे नहीं करवा पाते वहाँ डॉक्यूमेंट के कारण या नहीं जाने के कारण, तो तब कट ऑफ चेंज होगा जो कि फोर्थ आइटरेशन से इफेक्ट आएगा। तो अगर आपको पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या आपके मार्क्स पे पॉसिबल है, क्या आपको वेट करना चाहिए, अदर काउंसलिंग का जो कॉलेज मिल रहा है, मणिपाल, VIT, IEEE, कॉमेट के या SRM, ये सब में एडमिशन लेना चाहिए, जो समय जो भी मिल रहा है, MSc CET का ऑप्शन है, तो ये सब करना चाहिए या वेट करना चाहिए बेट सेट का, वो सब के लिए हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं। आप जरा इस आप रजिस्टर करके उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। आप रजिस्टर करके उसमें क्वेश्चन सारा पूछ सकते हैं, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक करें, सारा डिटेल दिया गया है। बट आप पेड काउंसलिंग चाहते हैं तभी करें, अदरवाइज आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमको टाइम मिलेगा हम रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू।